हेलो एवरीवन। तो एडिटिव इक्वेशन एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले स्पीड मैथ मैंने कंप्लीट कर दिया है और तो एडिटिव इक्वेशन अब स्टार्ट कर रहे हैं। इसको मैं दो पार्ट में कंप्लीट कराने वाला हूँ। ये पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट में थोड़ा हाई लेवल थोड़ा टफ लेवल में क्वेश्चन भी लूँगा। इसमें मैं बेसिक से मॉडरेट लेवल तक आप तो कंप्लीट करवा दूँगा और दूसरे पार्ट में मॉडरेट से हाई लेवल तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो एडिटिव इक्वेशन दो तरह के होते हैं, एक तो लीनियर फॉर्म में होते हैं, एक तो एडिटिव फॉर्म में होते हैं। इक्वेशंस के दो ये पार्ट होते हैं, इक्वेशंस के दो पार्ट होते हैं। क्यूबिक फॉर्म में भी होते हैं, पर हम लोग अभी इन दोनों के बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला देखिए, लीनियर पार्ट में होता है। लीनियर कैसे पता चला, जब उसके ऊपर जो डिग्री है वो वन होता है। यहाँ पर एडिटिव में डिग्री टू होता है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर जीरो है। हाँ, यहाँ पर जीरो है, क्लियर है। ये होता क्योंकि यहाँ पे वन होता या फिर कोई और वैल्यू होता, यहाँ पे एस तो कोएफिशिएंट तो आ जाए, यहाँ पे वन होता। फॉर एग्जांपल इक्वेशन ये लिखा होता एस का स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं एस के पावर जीरो, वो तो वही हो गया ना, वन ही हो गया, एस के पावर जीरो वन ही हो गया। तो दो फॉर्म में इक्वेशन बनते हैं, एक तो लीनियर होता है, एक तो एडिटिव होता है। अब इस तरह से क्वेश्चन तो हम लोग जो बचपन में सीखते आए हैं, तो एडिटिव इक्वेशन तो बचपन में कैसे सॉल्व करते थे, जब भी मान लो तो इक्वेशन दिया है थ्री एस प्लस वाई इक्वल टू फिफ्टीन एस माइनस वाई इक्वल टू वन, तो हम लोग क्या करते थे, पहले एक बार ऐड कर देते थे। तो इस दोनों तो ऐड कर देते हैं, दोनों का एडिशन होने वाला है। तो थ्री एस प्लस एस तो ये हो जाएगा फोर एस, प्लस वाई माइनस वाई जीरो हो जाएगा इक्वल टू फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन, तो एस की वैल्यू हमारे पास फोर आ गई। अब एस की वैल्यू फोर तो हम दोनों में से कोई भी इक्वेशन में डाल देते हैं, ये इक्वेशन सिंपल दिख रहा है तो इसमें डाल रहे हैं। तो फोर माइनस वाई इक्वल टू वन, फोर माइनस वन इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू थ्री, और एस और वाई की वैल्यू आ गई। इससे हमें ये पता चला एस जो है वो वाई से भरा है, तो एस इज ग्रेटर देन वाई हम लोग बोल देते हैं। हम लोग मोस्टली में कंपेयर करते हैं इक्वेशन में, दो इक्वेशन दिया रहेगा तो अगले इक्वेशन जो रहेगा जो हमारे बैंक में आता है उसमें ऐसे आता है, दो इक्वेशन दिया रहेगा और पता करना है कि कौन सा इक्वेशन बड़ा है। जैसे इसमें एस बड़ा है वाई से, दो आधे दिया रहेगा तो ये एक इक्वेशन दिया रहेगा थ्री एस स्क्वायर प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन फोर एस दे देते हैं एक वेरिएबल, दूसरे में अलग वेरिएबल दे देगा। मान लीजिए फाइव एस फाइव वाई स्क्वायर प्लस टेन वाई माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो, तो ये या तो एस इज ग्रेटर देन वाई होता, या एस स्मॉलर देन वाई होता, या एस ग्रेटर देन इक्वल टू वाई होता, एस स्मॉलर देन इक्वल टू वाई होता, या फिर नो रिलेशन होता। पांच पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इस सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, आप बने रहिए कंप्लीट। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वेट करिए, सब समझ में आएगा, मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। दूसरा दिया है एस प्लस वाई इक्वल टू ट्वेंटी फाइव, एस माइनस वाई इक्वल टू थ्री, तो बेसिक मेथड जो बचपन में डरते हैं, क्या डरते थे, ऐड कर दो, तो एस प्लस एस टू एस प्लस वाई माइनस वाई जीरो, टू ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री ट्वेंटी एट, तो एस की वैल्यू हमारे पास आ गई फोर्टीन। अब एस की वैल्यू तो सिंपल वाले में डालते थे तो इसमें डाल देंगे, तो फोर्टीन माइनस वाई इक्वल टू थ्री आ गया, फोर्टीन माइनस थ्री इक्वल टू वाई आ गया, तो वाई की वैल्यू हमारे पास एलेवन आ गया। क्लियर, ये तो हमारा हो गया बेसिक मेथड, हुआ या नहीं हुआ। इस मेथड से हम लोग बैंक में नहीं बनाएंगे, क्लियर है। ये मेथड का बैंक में कोई भी यूज नहीं है, कोशिश करिएगा ऐसे ना बना लेता। बेसिक आप तो पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये बता दिया, बैंक एग्जाम में आप तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं बनाना है, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं बनाना है, भले वो एसएससी हो बैंक हो, नहीं बनाना है इसमें। तो बनाना कैसे है, बनाना है फोर स्टेप मेथड, आपने नाम सुना होगा फोर स्टेप मेथड के थ्रू बनाइएगा, विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। अब फोर स्टेप मेथड क्या है वो हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे तो ये देते थे, थ्वाडेड इक्वेशन दिया रहता था और उसका रूट हम लोग तो जैसे पता चलता था, जिसका फैक्टर नहीं हो पाता था उसका हम लोग रूट कैसे निकालते थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। बचपन के दिन याद आ रहे होंगे आप लोग तो, याद आ रहे हैं या नहीं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इससे हमें एक बार प्लस तो कंसीडर करते थे, एक बार माइनस तो कंसीडर करते थे और दो रूट हमें मिलता था और वही वो इक्वेशन था, रूट हो जाता था। क्लियर है, ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड, बेसिक हमने सब तो सीख लिया। अब जिससे हमारे नंबर आने वाले हैं बैंक एसएससी में वो है फोर स्टेप मेथड, और जैसे हमें सॉल्व करना है एग्जाम में, एग्जाम में हमें फोर स्टेप मेथड का ही यूज करना है।
चार स्टेप है, इस तरह इसका नाम फोर स्टेप पड़ा है, आप देख सकते हैं चार स्टेप है। पहला स्टेप पे क्या है, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ एस टू पावर जीरो एंड एस टू पावर टू या फिर एस स्क्वायर। तो यहाँ पे एस टू पावर जीरो, यहाँ पे एस टू पावर वन है, यहाँ पे एस टू पावर टू है, यहाँ पे एस टू पावर जीरो, ये हुआ। तो इस दोनों का एस टू पावर जीरो का कोएफिशिएंट क्या हुआ 28, और एस का स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया 1, तो 1 × 28 ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट। मतलब इसे और इसे, इस दोनों के कोएफिशिएंट तो एस स्क्वायर के कोएफिशिएंट तो और एस टू पावर जीरो के कोएफिशिएंट तो मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप में क्या करना है, ऐसा तो दो वैल्यू कंसीडर करना है जिस तो हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा वैल्यू आए, जो हमने एस टू पावर जीरो और एस टू पावर टू तो मल्टीप्लाई करते जो वैल्यू लाया है, और उसी नंबर तो अगर ऐड करें तो एस टू पावर वन का जो कोएफिशिएंट है जो तो यहाँ पे 11 है वो आ जाए। तो अगर 28 हमारे पास आया तो 28 तो अगर हम लोग दो वैल्यू मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, इसका तो ट्रिक नहीं है तो कंसीडर कैसे करें, कंसीडर का एक ही बस ट्रिक है फैक्टोराइजेशन मेथड, वो अगर आप तो करो तो जैसे 2 तो 14, 2 तो 7, फैक्टोराइज कर दिया हमने 28 तो यहाँ पे 7 बचा और 2 × 2 = 4, तो 7 अगर 7 और 4 हम रूट ले लें तो मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 28 आ जाएगा और ऐड करेंगे तब भी 11 आ जाएगा। तो आप फैक्टोराइजेशन मेथड है, आप तो समझ में नहीं आता कि हम 30 नंबर से मल्टीप्लाई करें कौन सा दो नंबर कंसीडर करें, तो आप फैक्टोराइजेशन मेथड तो कंसीडर कर सकते हैं कि आप वैसे सॉल्व करें। तो हमने हमें यहाँ पे दो वैल्यू मिल गया 7 और 4, जिसे हम लोग ऐड करें तो हमारे पास 11 आ जा रहा है और मल्टीप्लाई करें तो 28 आ जा रहा है, और यही हमें चाहिए था। तो इसका ये मतलब हुआ 7 और 4 जो है इस सिचुएशन का रूट है नहीं, यहाँ पे तो 7 और 4 हमारे पास पॉजिटिव साइन में आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव थे तो प्लस 7 और प्लस 4 तो मल्टीप्लाई थे तो प्लस 28 आ गया, और प्लस 7 और प्लस 4 तो ऐड थे तो प्लस 11 आ गया। पर हम लोग थर्ड स्टेप में देते हैं तो जो भी हमारा रूट आया, भले यहाँ पे 7 और 4 आया, उसका साइन अपोजिट कर देना है। तो अगर यहाँ पे प्लस 7 और प्लस 4 था तो यहाँ पे -7 और -4 हो गया, ये तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप में क्या होगा, एस का स्क्वायर जो है तो यहाँ पे 1 है उसको डिवाइड कर देना है इसके नीचे, मतलब क्या -7/1 - 4/1। अब यहाँ पे 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मान लीजिए यहाँ पे 2 रहता तो -7/2 - 4/2 वैल्यू चेंज हो जाता ना, -3.5 और -2 हो जाता, तो फर्क पड़ता ना। यहाँ पे तो कोएफिशिएंट सिर्फ 1 था, एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा नीचे में डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू आएगा, पर वहाँ नहीं, यहाँ पे अगर 2 होता, 3 होता, 4 होता तो फर्क पड़ता। तो यही है हमारा फोर्थ स्टेप, डिवाइड द वैल्यू विद द कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो यहाँ पे एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था तो 1 से हमने डिवाइड किया, आंसर में कोई फर्क नहीं आता, ये हमारा रूट है -7 और -4 है इसका रूट, ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाते हैं उससे आप तो थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लगाने से पहले एक बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, एस टू पावर जीरो का जो कोएफिशिएंट है वो उसका हम लोग साइन चेक करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो दो साइन हो सकता है, या तो प्लस का यहाँ पे साइन हो या तो माइनस का यहाँ पे साइन हो। तो जब प्लस का साइन होगा तब हम लोग क्या करेंगे, और जब माइनस का साइन होगा तब हम लोग क्या करेंगे, उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर प्लस का साइन होगा तो वैल्यू शुड बी एडेड, और अगर माइनस का साइन होगा तो वैल्यू शुड बी सब्ट्रैक्टेड। समझे, मतलब कौन सा वैल्यू, अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग एस का जो एस के पावर जीरो का जो कोएफिशिएंट है अगर वो प्लस आ गया, मतलब हमें ऐसा तो दो वैल्यू कंसीडर करना है जिसे हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 11 × 5, मतलब हमारे पास मल्टीप्लाई कर दे तो 55 आ जाए, और ऐड कर दे क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है तो ऐड कर दे तो 16 आ जाए, तो 11 + 5 = 16 आ गया। पर अगर यहीं पे माइनस होता तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करें ताकि 16 आए, ऐसा तो वैल्यू कंसीडर करें जिस तो सब्ट्रैक्ट करें तो 16 आए, वो हमें करना पड़ता।
अदला देखिए, अदला क्वेश्चन में माइनस है तो हम लोग उसमें इस बारे में डिस्कस करेंगे, जब माइनस हो तब क्या करेंगे। यहाँ पे तो प्लस था तो मैंने बता दिया आप, तो जब माइनस हुआ तब क्या करेंगे वो अदले में डिस्कस कर लेते हैं। पर आप इतना समझ लिया, अगर प्लस होगा तो हमें वैल्यू तो ऐड करते इस वैल्यू पे तो लाना, जैसे 11 और 5 तो ऐड करते हम 16 लाएँ। पर अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम लोग 11 माइनस 5 हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो 16 नहीं आ पाता, तो हमें तो और वैल्यू लेना रहता अगर माइनस साइन होता तो। और डिस्कस करेंगे इस बारे में, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या था हमारे पास, थी एस टे पावर 0 और एस टे पावर 2 था तो फिर सेवन तो मल्टीप्लाई कर दो, 11 × 5 55 हो गया। दूसरा स्टेप क्या था, जो भी वैल्यू है उसमें ऐसा तो दो वैल्यू तक कंसिडर करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 55 आ जाए और ऐड करें तो 16 आ जाए। तो 11 और 5 अगर हम लोग ले लें तो 11 × 5 55 आ जाएगा और 11 + 5 हमारे पास 16 आ जाएगा, और यही दो हमें चाहिए था कि 55 और 16 आ जाए तो आ गया। तीसरा स्टेप क्या था, जो भी वैल्यू आ रहा है उसका साइन चेंज कर दो। और चौथा वैल्यू क्या था, चौथा मतलब स्टेप क्या था, जो भी रूट्स आए हैं उस तो एस ते पावर एस स्क्वायर था जो कोएफिशिएंट है उसके साथ डिवाइड करना है, मतलब 55/5 और -16/5 तो हमारे पास आ गया -11 और माइनस क्या हमारे पास 16। हाँ ये सॉरी यहाँ पे 11 था ना, सॉरी मैं गलती से यहाँ पे लिख दिया हूँ। हमारे पास रूट्स क्या आए थे 11 और 5, तो इस तरह हमें थर्ड स्टेप में साइन चेंज करना होता है, तो -11 - 5 हो गया। और जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ऐसा स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे उसका जो कोएफिशिएंट है उसके साथ, तो -11/5 - 5/5 ये हमारा रूट्स हो गया, फाइनल रूट्स। थोड़ा बहुत समझ में आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें 27 यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस साइन है। माइनस साइन मतलब क्या है, तो यहाँ पे ऐसा तो वैल्यू आना जिसको मल्टीप्लाई करते हम ये वैल्यू ले पाए, मतलब सबट्रैक्ट करते। वैल्यू शुड बी सबट्रैक्टेड, ये हमें तय करना होगा, वैल्यू तो जो है सबट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे माइनस साइन है तो वैल्यू तो सबट्रैक्ट करते हमें आंसर लाना है। ये जो एस टू पावर 1 का जो कोएफिशिएंट है वो सबट्रैक्ट करते हमें लाना है। अब आप ये देख रहे हो तो ये वैल्यू बहुत बड़ा है, मतलब 27, तो अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहला स्टेप में यही होता है ना कि कोएफिशिएंट ऑफ एस टू पावर 0 और मतलब वाई टू पावर 0 और वाई टू पावर 2 तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 27 × 10 270 आ गया, ये बहुत बड़ा वैल्यू आ गया। तो इसे छोटा कैसे करें, इसे छोटा करने का ये होगा फैक्टर ले लो दोनों रूट्स का, इस तो फैक्टर क्या हो जाता 9 × 3 हम लोग कर दे तो 27 आ जाएगा, और इसका क्या 5 × 2 छोटा हो गया या नहीं हुआ। अगर अब हम लोग 5 × 3 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आ गया, और 9 × 2 मल्टीप्लाई करें तो 18 आ गया। तो जब 18 में से 15 माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा, और 18 × 15 270 आ जाएगा। तो हम ऐसा दो वैल्यू कंसीडर कर लिए जिसको मल्टीप्लाई जिसको सबट्रैक्ट करें तो हमारे पास 3 आ जाए, और जिसे मल्टीप्लाई करें तो 270 आ जाए, ऐसा वैल्यू हमें मिल चुका है। तो -18 + 15 करेंगे तब ना -3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला टर्म तो माइनस होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेप टू भी हम लोग ने ढूंढ लिया थी, दो ऐसा फैक्टर जिसे हम लोग सबट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाए। अब स्टेप थ्री में साइन चेंज कर देना है, ये माइनस था तो +18 और ये प्लस था तो ये -18। अब स्टेप फोर में एस वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसके साथ डिवाइड करना है, तो +18/10 - 15/10 हमारे पास आ गया +1.8 - 1.5, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, आगे चला जाए। अभी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो फोर स्टेप मेथड पे अभी आप तो क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है, हो जाएगा। चलिए फोर स्टेप मेथड पे दो क्वेश्चन मैं आप तो सॉल्व करवाता हूँ, उसके बाद आप घर पे अपना सॉल्व करना। दो इक्वेशन दिया है तो पहले मैं पहला इक्वेशन कंसीडर करता हूँ और उसमें मैं पहला स्टेप परफॉर्म कर रहा हूँ, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है, एस टू पावर 0 का कोएफिशिएंट और एस टू पावर 2 का कोएफिशिएंट तो मल्टीप्लाई करना है, तो 15 × 6 हमारे पास क्या आ गया 90। स्टेप नंबर 2, ऐसा दो फैक्टर हमें ढूंढना है जिसको ऐड करें तो 19 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 90 आ जाए, तो 10 और अगर 9 ले तो 10 और 9 तो हम लोग ऐड करें, ऐड क्यों करें तो यहाँ पे प्लस साइन है तो हमारे पास 19 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे हाँ तो 90 आ जाएगा।
अगर मल्टीप्लाई करें तो 90 आ जाए, ऐड करें तो 19 आ जाए, और यही हमें चाहिए था। तो हमारा फैक्टर क्या हो गया, 10 और 9, ये हमारा फैक्टर आ गया। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस का साइन है, तो ये दोनों निगेटिव होता तभी ना 19 मिलेगा। माइनस 10 और माइनस 9 जब मिलेगा तभी तो माइनस 19 हमें आंसर मिलेगा। तो ये साइन होता है इसका माइनस 10 और माइनस 9, तभी ना माइनस 10 और माइनस 9 तो हम लोग जोड़ेंगे तो माइनस 19 आया था, और माइनस 19 हमें चाहिए था। अब स्टेप 3 में हमें साइन चेंज कर देंगे, मतलब प्लस 10 प्लस 9 हमारे पास हो गया। स्टेप 4 में जो भी एस का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा इसके नीचे, मतलब प्लस 10 अपॉन 6 प्लस 9 अपॉन 6 हमारे पास वैल्यू आएगा। अब जब प्लस 10 अपॉन 6 करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 1.66 आ जाएगा या नहीं आएगा, और 9 अपॉन 6 करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आ जाएगा, तो 3/2 तो 1.5 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हुआ, ये हमारा हुआ पहला इटरेशन जब हमने सॉल्व किया। अब इटरेशन नंबर 2 जो है उसे सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप y टू पावर 0 तथा कोफिशिएंट, और y टू पावर 2 तथा कोफिशिएंट तो मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 21 × 10 कितना आया 210। स्टेप नंबर 2, ऐसा कोई वैल्यू हमें कंसीडर करना है जिसे हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, और ऐड करें तो 29 आए। तो हम लोग क्या वैल्यू कंसीडर करें, अब ये वैल्यू बहुत बड़ा है तो इसे हमें छोटा करना होगा, तो 21 × 10 है तो इसको हम लोग 7 × 3 लिख सकते हैं, और इसको 5 × 2, तो 5 × 3 15 हो जाएगा, और 5 × 2 14 हो जाएगा। तो 15 और 14 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 210, और 15 और 14 तो अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 29 वैल्यू लेना था, 29 आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो और यहाँ पे ये जो 29 है माइनस साइन में है, तो हमारे पास रूट होगा माइनस 15 और माइनस 14, माइनस 15 और माइनस 14 तो ऐड करेंगे तो माइनस 29 आ जाएगा, और माइनस 15 और माइनस 14 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 210 आ जाएगा। तो ये हमारा रूट हो गया। स्टेप 3, साइन चेंज, मतलब प्लस 15 प्लस 14। स्टेप 4, वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा 15 और 14 से, मतलब प्लस 15 अपॉन 10 प्लस 14 अपॉन 10, मतलब क्या हो गया 1.5 1.4, ये हमारा आंसर आ गया। अब आप एक अच्छा चीज सीखो जो कि बहुत ज़रूरी है कंपैरिजन में, हमारे पास जो इक्वेशन 1 था उससे हमें रूट मिला था प्लस 1.66 और प्लस 1.5, इक्वेशन 2 था उससे हमें रूट मिला प्लस 1.5 प्लस 1.4। अब कंपैरिजन होगा, ये और ये सेम है, पर प्लस 1.6 जो है वो प्लस 1.4 से भी बड़ा है और 1.5 से भी बड़ा है, तो ये बड़ा है और इक्वल टू है, मतलब ये हम बोलेंगे, और ये यहाँ पे एस था वेरिएबल था इक्वेशन 1 में, इसमें वाई था वेरिएबल था, तो ये बड़ा तो है ही, प्लस 1.66 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, और प्लस 1.5 जो है इससे तो बड़ा है और इससे बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एस इज ग्रेटर दैन, क्योंकि ये बड़ा है, इक्वल टू, क्योंकि चलिए आप समझ दे होंगे तो एस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू वाई मैंने क्यों बोला, क्लियर है, ये समझ दें आप। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, अगर आपका इसमें कुछ डाउट रह भी गया होगा तो उसमें वो डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, एस स्क्वायर प्लस 27s प्लस 180 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 25y प्लस 150 इक्वल टू 0। तो जब हम लोग इसमें इक्वेशन 1 तो हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, 180 दिया हुआ है, 180 दिया है, और हमें ऐसा तो ही वैल्यू लेना है, यहाँ पे 1 है तो 180 × 1 180 ही रह जाएगा। आप बोले सर पहला स्टेप तो दिया ही नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन, तो 180 × 1 तो 180 ही रह जाएगा। तो 180 का हमें ऐसा तो ही वैल्यू कंसीडर करना है जिसे मल्टीप्लाई करें, जिस दो वैल्यू तो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 180 आए, और ऐड करें तो 27 आए। तो अगर हम लोग 15 और 12 ले लें, आप बोले सर आप तो ये सपना आया था क्या कि 15 और 12 आप ले लिए, फ्रैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आप ये कर सकते हैं, 5 5 3 15 5 6 3 12, तो 5 3 15 और 12, यहाँ से मैंने लिया 5 3 15 और 12, ये मुझे तो ये तो ऐसा नहीं है कि आप तो सपना आया था जो नंबर वो ले लेना है, ऐसा नहीं है, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये हमारे पास दोनों पॉजिटिव साइन में आया तब ना, प्लस 15 प्लस 12 प्लस 27, 15 × 12 180, ये हमारे पास आ गया। स्टेप 2 कम्प्लीट। स्टेप 3 में क्या था, साइन चेंज, माइनस 15 माइनस 12। स्टेप 4 में क्या था,
एस स्क्वायर था जो कोफिशियंट है वो डिवाइड हो जाएगा इस सबसे नीचे, तो माइनस 15 अपॉन 1 माइनस 12 अपॉन 1, तो हमारे पास वैल्यू आ गया माइनस 15 माइनस 12। ये हो गया इक्वेशन 1 कंप्लीट। अब इक्वेशन 2 पे चलते हैं। इक्वेशन 2 में हमारे पास वैल्यू है 150। अब इसे ऐसे फैक्टराइज करना है कि ऐड करने पे ऐसा दो वैल्यू लेना है जिसे ऐड करें तो 25 आए, मल्टीप्लाई करें तो 150 आए। अगर हम लोग 15 और 10 ले लें, ये तो मुझे देखते ही समझ में आ रहा है कि अगर 15 और 10 ले ले तो 150 हो जाएगा, और 15 और 10 ले ले तो 25 हो जाएगा। तो इसमें तो फैक्टराइजेशन करने का भी ज़रूरत नहीं है, वैसे तो ऊपर वाले भी नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करें तो ऊपर वाला भी आप तो समझ में आ जाएगा। तो 15 प्लस 10 हमारे पास 25 आ जाएगा, 15 इंटू 10 150 आ गया। क्लियर है? अब स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में हमने फैक्टर भी ले लिया। स्टेप 3 में क्या करना है, साइन चेंज माइनस 15 माइनस 10। स्टेप 4 में वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा माइनस 15 और माइनस 10 के नीचे, तो माइनस 15 अपॉन 1 माइनस 10 अपॉन 1 हमारे पास वैल्यू आ गया माइनस 15 और माइनस 10। अब इक्वेशन 1 जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास वैल्यू आया था, रूट आया था माइनस 15 माइनस 12। इक्वेशन 2 जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आया माइनस 15 माइनस 10। तो आप देखो माइनस 10 जो है वो इस दोनों से बड़ा है, हाँ बड़ा है। माइनस 15 जो है वो इससे बड़ा है, इससे बराबर है। साइन में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, जैसे कि सबसे छोटा 10 है तो वो सबसे बड़ा है, इस दोनों से बड़ा है। उसके बाद माइनस 15 जो है वो आप बताओ वो इससे बड़ा है और इससे छोटा है, वो इससे तो बराबर है और इससे छोटा है। माइनस 15 इससे छोटा है तो मतलब माइनस 12 जो हो गया वो इससे तो बड़ा हो गया और इससे छोटा हो गया। तो अब तो ये रिलेशन नहीं पता चल पा रहा है ना कि मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ तो पता चल रहा है माइनस 12 बड़ा है और यहाँ पता चल रहा है माइनस 10 बड़ा है, तो ये रिलेशन हम लोग नहीं फाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको कंसिडर करें तो माइनस 12 जो है वो माइनस 15 से बड़ा है, और यहाँ कंसिडर करें तो माइनस 15 जो है माइनस 15 जो है वो तो छोटा हो गया माइनस 10 से। हुआ या नहीं हुआ? दोनों पॉसिबिलिटी हो रहा है। माइनस 12 जो है वो माइनस 15 से तो बड़ा है, पर माइनस 15 जो है वो माइनस 10 से छोटा है, तो कंसिडरेशन नहीं हो पा रहा है, तो चेंज नहीं बन पा रहा। जैसे पहले इक्वेशन में माइनस 15 और माइनस 12 दोनों दो रूट हमारे पास आया या नहीं आया? तो जब पहला रूट था इसे माइनस 15 तो हम लोग इस दोनों से कंपेयर किए तो इससे बराबर आया और इससे छोटा आया, ठीक है। माइनस 12 तो इस दोनों से कंपेयर किए तो इससे बड़ा आया, माइनस 12 इससे छोटा आया, तो कुछ पता नहीं चल पाया। तो बोले तो ये बात नहीं, इस तो कंपेयर करते हैं, तो माइनस 15 जब इसके साथ कंपेयर किए तो बराबर आया और इसके साथ किए तो छोटा आया। माइनस 10 तो जब इसके साथ कंपेयर किए तो माइनस 10 बड़ा निकल गया, तो इसमें माइनस 12 बड़ा हो रहा था, इसमें माइनस 10 बड़ा हो रहा था, कौन बड़ा है पता नहीं चल पाया। तो हम लोग बोल देंगे कैनॉट डिटरमाइन। वैसे साइन रूल भी होता है जो मैं अभी आधे डिस्कस करने वाला हूँ, साइन रूल, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आधे। तो अब हम लोग साइन मेथड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। साइन मेथड क्या होता है? इक्वेशन के चार तरीके हो सकते हैं, या तो ए से स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी हो, तो हमारा रूट जो आएगा वो दोनों निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो हम दोनों यहाँ पे पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। फिर जब स्टेप 3 में हम लोग साइन चेंज करेंगे तो वो जो पॉजिटिव निगेटिव बन जाएगा। तो जब दोनों जो साइन है वो पॉजिटिव होंगे तो निगेटिव रूट साइन थे, दोनों निगेटिव। ए साइन पॉजिटिव और ए साइन निगेटिव होगा, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। दोनों निगेटिव होंगे तो ए पॉजिटिव ए निगेटिव, और दोनों ए पॉजिटिव और ए निगेटिव होंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव। नहीं समझ में आया तो ये बात नहीं, मैं समझाता हूँ। जब भी एस द पावर जीरो जो है वो पॉजिटिव होगा तो रूट्स दोनों पॉजिटिव होंगे, भले यहाँ पे जो भी साइन हो। पर अगर एस द पावर जीरो जो है वो निगेटिव हो गया तो एक यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो प्लस और माइनस का साइन रहेगा। आप ये समझ लो, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर चार फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन आ गया, मान लीजिए इस तरीके का इक्वेशन आ गया 3s² - 4s - 5 = 0, आप देखते ही बोल सकते हो कि एक पॉजिटिव रूट होंगे एक निगेटिव। क्या होगा ये नहीं पता, पर एक पॉजिटिव रूट आएगा और एक निगेटिव रूट आएगा, इतना हमें पता चल जाए। तो अगर आप तो ये चारों चीज़ पता रहेंगे तभी ना आप तो ये बात पता चल पाएगा कि कौन सा रूट पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा। वैसे ही अगर as² - bs + c दिया हुआ है तो आप देखते बोल सकते हो कि दोनों रूट इससे पॉजिटिव होंगे। अब क्या होंगे ये बाद में डिस्कस करेंगे, पर दोनों पॉजिटिव होंगे इतना तो आप बोल सकते हो कि दोनों रूट्स जो हैं ये पॉजिटिव होंगे। अगर ये दोनों निगेटिव हैं
तो एक रूट पॉजिटिव होंगे एक निगेटिव होंगे, ये आप देखते बोल सकते हो। तम से तम ये दो आप पता रखो, दोनों पॉजिटिव कहाँ होंगे और दोनों निगेटिव कहाँ होंगे, ये तम से तम आप तो पता होने चाहिए। एक बार अच्छे से ध्यान से देख लो, कुछ भी बताने लायक इसमें नहीं है, बस नॉर्मल है। ए स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी जब भी दिया हो इक्वल टू जीरो, तो दोनों रूट्स निगेटिव होंगे, तो दोनों यहाँ पे पॉजिटिव है तो दोनों रूट्स निगेटिव होंगे। अगर एक निगेटिव है, यहाँ एस टी पावर वन था जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव है और एस टी पावर जीरो था वो पॉजिटिव है, तो दोनों रूट्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग तो भी कंसिडर करते हैं, मान लीजिए माइनस थ्री और माइनस फाइव, स्टेप थ्री में साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस थ्री प्लस फाइव, तो वहीं यहाँ पे हो रहा है, क्लियर है, ऐसे ही ये चलेगा। अब साइन मेथड में दो रूल होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और जिससे डायरेक्ट मतलब हम लोग क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व कर सकते हैं, तो उस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास दिया हो ए स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, जब दोनों पॉजिटिव हो तो हम क्या बोल सकते हैं, दोनों रूट्स निगेटिव होंगे, बोल सकते हैं ना, दोनों रूट निगेटिव होंगे, तो वही यहाँ पे होगा। जब दोनों पॉजिटिव हो तो दोनों रूट निगेटिव होंगे, और पी वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस आर इक्वल टू जीरो, ये वाई ते पार वन जो है वो निगेटिव है और वाई ते पार जीरो जो है वो पॉजिटिव है, एस ते पार जीरो पॉजिटिव, एस ते पार वन निगेटिव, दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। तो इससे हम डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हैं कि देखिए प्लस थ्री वो ऑब्वियसली माइनस टू से तो बड़ा होता ही, दोनों साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, भले साइन का वैल्यू कुछ भी हो, प्लस वन हो प्लस टेन हो, वो माइनस टेन और माइनस फिफ्टीन से तो बड़ा होता ही, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है, तो ऑब्वियसली प्लस में जो भी नंबर हो वो माइनस साइन से तो बड़ा होता ही, तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं वाई इज ग्रेटर देन एफ। अब तभी तभी ये भी हो जाता है y ग्रेटर देन इक्वल टू भी बनता रहता है, तो फिर हमें उसके लिए तभी तभी चेक भी करना पड़ता है, लेकिन मोस्टली ऑफ द केस में आप ये बोल सकते हो कि y इज ग्रेटर देन f, तभी तभी इक्वल टू तभी बनता है, तो हमें चेक करना पड़ता है, पहला रूल ये है। दूसरा रूल क्या है, अदर s ते पावर जीरो तक कोफिशिएंट माइनस में है, y ते पावर जीरो तक कोफिशिएंट माइनस है में है इक्वेशन से, तो फिर हम लोग डायरेक्टली बोल दें अगर ये दोनों माइनस में है और एस टी पावर वन था जो कोफिशिएंट है वो माइनस में है, एस टी पावर वाई टी पावर वन था कोफिशिएंट पॉजिटिव में है, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं नो रिलेशन, क्योंकि ये भी प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है, इसमें यही होता है एक बड़ा है एक छोटा है, एक छोटा है एक बड़ा है, मतलब कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये पता नहीं चल पाएगा, तो नो रिलेशन, सीधा नो रिलेशन। कैसे पता चलेगा, जब भी हम लोग ये तो साइन देते हैं, अगर दोनों निगेटिव है तो फिर नो रिलेशन, सीधा देखते आप बोल सकते हो, अगर दोनों नेगेटिव है नो रिलेशन, अगर दोनों पॉजिटिव है और वाई जो भी मान लो वाई या फिर एस तो भी इतना वेरिएबल नेगेटिव है, तो जो जितना वेरिएबल नेगेटिव है वो बड़ा होगा एज कम्पेयर टू उससे जितना वेरिएबल पॉजिटिव है, इसका वेरिएबल पॉजिटिव था तो वो छोटा हो गया, इसका वेरिएबल यहाँ पे नेगेटिव था तो वो बड़ा हो गया, और दोनों का साइन पॉजिटिव था, जब दोनों का साइन नेगेटिव था तो नो रिलेशन, ऐसे आप याद कर सकते हो। अब आप देखो हम लोग बहुत अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं जब एस टी पावर अंडर रूट वन बाई टू 121 दिया जाता है और वाई स्क्वायर इक्वल टू 121 दिया जाता है, तो मैं आप तो ये बेसिक है मोस्टली तो शायद पता भी होगा पर मेरा बताना फर्ज है तो मैं बताऊंगा कि एस इक्वल टू अंडर रूट 121 दिया रहे और वाई इक्वल टू 121 दिया रहे, तो एस टी पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, एस टी पावर यहाँ पे 1 है तो सिर्फ एथ ही रूट होगा, 121 तीसरा स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ एस टी पावर 1 है ना तो सिर्फ एथ ही रूट होगा प्लस 11, पर यहाँ पे देखिए वाई टी पावर 2 है तो दो रूट होंगे वाई इक्वल टू प्लस माइनस 11, तो हम लोग हमेशा बोल सकते हैं एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, क्योंकि वाई का दो रूट है, प्लस 11 भी है माइनस 11 भी है, तो हम लोग ये बिल्कुल नहीं बोल सकते एस इज इक्वल टू वाई, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। तो क्या बोलोगे सर एस इक्वल टू अंडर रूट 121 और वाई इक्वल टू 121 दोनों सेम ही है, दोनों इक्वल टू ला देते हैं, नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू है क्योंकि यहाँ पे प्लस 11 है वो तो इससे बराबर है पर माइनस 11 है वो इससे छोटा है, तो एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई जो है वो करेक्ट होगा, यहाँ पे एस पावर 1 था तो सिर्फ एथ ही रूट होगा प्लस 11, यहाँ पे वाई था स्क्वायर था तो 2 था, यहाँ पे 2 था ना तो रूट भी 2 मिला, प्लस 11 माइनस 11, ऐसे आप मतलब अगर कहीं आप तो मिस होता है तो आप ऐसे याद कर सकते हो, अगर एस टी पावर 1 वैल्यू था तो सिर्फ 1 ही होगा, एस टी पावर वाई टी पावर 2 वैल्यू था तो 2 है, अगर वही यहाँ पे वाई था क्यूब रहता और 1331 रहता तो वाई था क्यूब में सिर्फ एथ ही मिलता प्लस 11 ही, मतलब अगर वाई टी पावर ऑड है
ओनली वन रूट, लेकिन वाई के पास अगर इवन है तो कितना होगा, मोर देन वन रूट। क्लियर है, इतना समझ में आ गया? मुझे इतना ही समझाना था पार्ट वन में। पार्ट टू में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हाई लेवल क्वेश्चंस, जैसे कि आप देख सकते हो ये सब कुछ हम लोग पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। ये हाई लेवल क्वेश्चंस है जिसमें इतना बड़ा बड़ा फैक्टर्स रहता है, स्क्वायर रूट दिया रहता है, वो सब तो हम लोग पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। अभी पार्ट वन में इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बाय।